श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो भागवत भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भागवत कथा अमर, महापुरुषों का गीत, इसके पावन पाठ से मिले कृष्ण की प्रीत। कल्प वृक्ष चिंतामणि, सब विधि सुखद अनूप, कलयुग में यह भागवत हरि का शब्द स्वरूप। कलयुग में यह भागवत हरि का शब्द स्वरूप। बोलो भागवत भगवान की जय। राधा रानी का तोता, राधा रानी का तोता, श्री कृष्ण की महिमा गाए, 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 अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए, अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए। राधिका फूली नहीं समाए, राधिका फूली नहीं समाए, धर्म की जय हो सत्य की जय हो, धर्म की जय हो सत्य की जय हो, राधा की जय हो कृष्ण की जय हो, राधा की जय हो कृष्ण की जय हो, प्रेम की जय हो भक्ति की जय हो, प्रेम की जय हो भक्ति की जय हो,
ने प्यार से पाला, राधा ने प्यार से पाला, ये सुंदर सा एक तोता राधा ने प्यार से पाला, राधा ने प्यार से पाला। तोता भी जपने लगा फिर श्री कृष्ण नाम की माला, श्री कृष्ण नाम की माला, तोता भी जपने लगा फिर श्री कृष्ण नाम की माला, श्री कृष्ण नाम की माला। गुरु मंत्र मिला तोते को, गुरु मंत्र मिला तोते को, गुरु मंत्र मिला तोते को, गुरु मंत्र मिला तोते को। तोता मन में हर्षाए, तोता मन में हर्षाए, अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए, प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए। राधिका भूली नहीं समाए, राधिका भूली नहीं समाए, राधा रानी का तोता, राधा रानी का तोता। जय हो। राधा जी ने तोते को ये ब्रह्म विद्या सिखलाई, ये ब्रह्म विद्या सिखलाई, राधा जी ने तोते को ये ब्रह्म विद्या सिखलाई, ये ब्रह्म विद्या सिखलाई। तोते ने भागवत सीखी, तोते ने भागवत गाई, तोते ने भागवत गाई, तोते ने भागवत सीखी, तोते ने भागवत गाई, तोते ने भागवत गाई। ये तोता है बड़ भागी, 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 जिसे राधा स्वयं पढ़ाए, जिसे राधा स्वयं पढ़ाए, अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए, अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए। राधिका भूली नहीं समाए, राधिका भूली नहीं समाए, प्रेम की जय हो, भक्ति की जय हो, प्रेम की जय हो, भक्ति की जय हो, राधा की जय हो, कृष्ण की जय हो, राधा की जय हो, कृष्ण की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। जय श्री राधे। शिष्य है तोता, राधा का शिष्य है तोता, तोते की गुरु है राधा, राधा का शिष्य है तोता, राधा का शिष्य है तोता। श्री कृष्ण कथा अनुरागी ये तोता भी इकलौता, ये तोता भी इकलौता, श्री कृष्ण कथा अनुरागी ये तोता भी इकलौता, ये तोता भी इकलौता। गोलोक 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 में ही गोकुल का, गोलोक में ही गोकुल का, दर्शन सबको करवाए, दर्शन सबको करवाए, अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए, अपने
प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए। राधिका भोली नहीं समाए, राधिका भोली नहीं समाए। राधे राधे छाया करके पहले तो स्वयं सहेजा, पहले तो स्वयं सहेजा। चुनरी की छाया करके पहले तो स्वयं सहेजा, पहले तो स्वयं सहेजा। चुनरी की छाया करके पहले तो स्वयं सहेजा, पहले तो स्वयं सहेजा। चुनरी की छाया करके पहले तो स्वयं सहेजा, पहले तो स्वयं सहेजा। फिर इस तोते को जग में राधा रानी ने भेजा, राधा रानी ने भेजा। फिर इस तोते को जग में राधा रानी ने भेजा, राधा रानी ने भेजा। वह परम हंस योगेश्वर, वह परम हंस योगेश्वर। सुखदेव मुनि कहलाए, सुखदेव मुनि कहलाए। अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए, अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए। राधा रानी का तोता, राधा रानी का तोता। भागवत का बन गया श्रोता, भागवत का बन गया श्रोता। श्यामा प्यारी का तोता, श्यामा प्यारी का तोता। श्री कृष्ण की महिमा गाए, श्री कृष्ण की महिमा गाए। अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए, अपने प्यारे की महिमा सुन सुन कर आनंद आए। राधिका भूली नहीं समाए, राधिका भूली नहीं समाए। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो। प्रेम की जय हो, भक्ति की जय हो। प्रेम की जय हो, भक्ति की जय हो। राधा की जय हो, कृष्ण 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 की जय हो। राधा की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बार और उच्चारण कीजिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। परम मंगलमयी परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप
श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुरली मनोहर बांके बिहारी जी की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए श्रोता समुदाय में समुपस्थित भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहिनें श्रद्धे बंधुजन श्री सनातन धर्म सभा गदरपुर मंदिर के सभी सम्मानित सदस्य पदाधिकारी महानुभाव आप सभी के अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा की झांकी को प्रणाम करते हुए आप सबको मेरी ओर से अनेक अनेक बार जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर उसी ओर चलते हैं जहां अत्यंत आनंद की गंगा प्रवाहित होती है। परम ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह मधुर मंगल में भागवत कथा कृष्ण कथा श्रवण करा रहे हैं। वही कथा प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम सब रसपान कर रहे हैं। कल आपने भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की कथा को श्रवण किया। आइए राधा माधव के चरणों को हृदय में धारण करके आज पंचम दिवस की कथा का रसपान करें। महापुरुष कहते हैं जीवन में दुख का समय बड़ी कठिनाई से कटता है। रात्रि में किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो एक एक क्षण एक एक पल एक एक मिनट काटना भारी हो जाएगा। कब सूर्य निकले कब इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। दुख का समय बड़ी कठिनाई से कटता है। दुख से सुख का समय जल्दी बीत जाता है। सुख से शांति का समय और जल्दी बीत जाता है। शांति से भी आनंद का समय तो पता ही नहीं चलता। घर में शादी ब्याह है कथा कीर्तन है कब दिन है कब रात है कोई होश नहीं। मेहमान जब तक विदा नहीं हो जाते तब तक ना भूख है ना थकान है ना निद्रा है। बारात विदा होने के बाद मेहमानों के विदा होने के बाद कुछ थकान सी महसूस होती है। ध्यान देना दुख का समय बड़ी कठिनाई से दुख से सुख का समय जल्दी सुख से शांति का समय और जल्दी शांति से भी आनंद का समय और जल्दी। और नंद बाबा के हवेली में यशोदा मैया के आंगन में नंद भवन में क्या छाया है वहां तो आनंद से भी 100 कदम आगे वहां तो परमानंद छाया है। हृदय का एक एक तंत्र झंकृत हो रहा है रोम रोम पुलकित हो रहा है क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक बालक बन करके यशोदा जी की गोद में खेल रहा है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। किसी के घर बेटा होता है किसी के घर बेटी होती है आसपास के लोग दर्शन करने आते हैं चलो चलें उसके बालक को देखा मैं। लेकिन यहां पर सब एक ही बात कह रहे हैं बोले क्या बोले नंद जी के घर बालक नहीं बोले फिर नंद के आनंद भयो नंद के बालक के रूप में वह सच्चिदानंद परमात्मा ही पुत्र बन करके प्रकट हो गया है। देवता यशोदा जी के आंगन में पुष्पों की वर्षा करते हैं और कहते हैं मां तू कितनी बड़भागी है जिस परमात्मा का दर्शन कभी स्वप्न में सुलभ नहीं होता वो परमात्मा बालक बनकर के तेरी ममता के झूले में झूला झूल रहा है। तू कितनी भाग्यशाली है तू कितनी बड़भागी है तू कितनी भाग्यवान है। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। एक बार और कह दो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जरा मिलकर के कह दो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सब लोग आनंद में डूबे हैं
लेकिन इस जहां में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। जय हो। इस जहां में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, और दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। प्यार से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार और कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सब लोग आनंद में डूबे हैं, सब परम प्रसन्न हैं, परम प्रमुदित हैं। गोविंद चले आओ, चले आओ। अम्मा इस समय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय माता जी, जिनका आशीर्वाद और जिनकी छत्र छाया सदैव हम सबके ऊपर बनी रहती हैं, और आसपास के क्षेत्र में हो अथवा तो दूर दूर तक कहीं भी कोई कथा कीर्तन सत्संग कार्यक्रम होते हैं तो वे माता जी के आशीर्वाद की छाया में ही संपन्न होते हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य माता जी के लिए। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं आपको अभी थोड़ी देर में देने वाला हूं। प्रेम से कह दो जय माता की। जय माता की। हम सबका अहोभाग्य पूज्य माता जी के दर्शन हुए, और जब संत महापुरुष आते हैं तो यज्ञ भी पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ तो पवित्र हैं ही, लेकिन उन यज्ञों की भी और शोभा बढ़ जाती है। तो ऐसे पूज्य माता जी का हमें दर्शन हो रहा है, और ऐसे ही हम सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आइए अब आगे की जो कथा हम सुन रहे हैं वो माता जी के सानिध्य में सुन रहे हैं। तो हम आपको कह रहे थे कि सब लोग आनंदित हैं नंद बाबा के यहाँ, बधाइयां ले लेकर के जा रहे हैं, न्योछावर ले लेकर के जा रहे हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन एक बात हमने आपको कही, इस जहां में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। इस जहां में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, और दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। न्योछावर में किसी को कपड़े मिले, किसी को बर्तन मिले, किसी को रुपया मिला, किसी को जेवर मिले, तो सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तुम दिखाओ तुम्हें क्या मिला, तुम दिखाओ तुम्हें क्या मिला। अरे बोले हमें तो कपड़े मिले, और तुम्हें, बोले हमें बर्तन मिले, कपड़े मिले, हमें तो कपड़े ही कपड़े मिले। और तुम्हें क्या मिला, बोले हमें कपड़े बर्तन और जेवर मिले, हमें नहीं मिले। और तुम्हें क्या मिला, बोले हमें कपड़े बर्तन जेवर और नकद धन राशि, वो भी सब प्राप्त हुआ। तो जिसको जो मिला उसमें वो संतुष्ट नहीं, दूसरे को जो मिला वो हमें क्यों नहीं मिला, इस भाव को लेकर असंतुष्ट है। पर ध्यान रखना, जैसे तुम हो और जो कुछ परमात्मा ने तुम्हें दिया है वो अपने आप में पूर्ण है, और जो कुछ तुम्हें दिया है वो किसी दूसरे को नहीं दिया, इसलिए ये सोच सोच करके परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये तो है नहीं। तुम्हारी आवश्यकता और जरूरत के अनुसार जो उचित था वो परमात्मा ने तुम्हें दे दिया, उसके लिए जो उचित था परमात्मा ने उसे दे दिया। जब तुम्हारे लिए कोई और आवश्यकता होगी परमात्मा तुम्हारी भी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। और दुखी क्यों है इंसान, उसके पास जो है मेरे पास क्यों नहीं, और ये सोच सोच कर कि जो मेरे पास है उसका भी सुख नहीं ले पाता, उसका भी आनंद नहीं ले पाता, इसलिए सावधान। तो सब लोग ऐसे ही हैं, जैसे नंदोत्सव होता है ना तो कितनी चीजें न्योछावर करें। अब कोई कोई, महाराज जी हमारे पास गेंद नहीं आई, बांसुरी आ, अरे भाई बांसुरी आ गई तो बांसुरी रख लो, किसी के पास बांसुरी आई है तो गेंद नहीं आई, गेंद आई है तो बांसुरी नहीं आई, जो आया है वो रख लो।
और किसी के पास दो दो तीन तीन आ गए तो जिसके पास नहीं आया उसको दे दो, ऐसे समाज में रहना चाहिए। लेकिन लोग रहते नहीं हैं, दुखी होते रहते हैं। तो जिनके पास कपड़े आए वे इसलिए दुखी कि हमें बर्तन नहीं मिले, जिनके पास कपड़े बर्तन आए वे इसलिए दुखी कि हमें कपड़े बर्तन मिले पर जेवर नहीं मिले, जिनके पास जेवर भी आ गए वे इसलिए दुखी कि हमें नकद धनराशि नहीं मिली। सब परेशान। एक महात्माओं की मंडली आ रही थी, परम प्रमुदित, ऐसा लगता है कोई चिंतामणि, कोई पारसमणि, कोई गुप्त धन इन्हें मिला हुआ है, जिसके बल पर ये महात्मा इतने आत्मसंतुष्ट नजर आते हैं। तो गृहस्थियों ने महात्माओं से पूछा, अरे महात्माओं आपके पास कौन सा धन है जिसके बल पर इतने आत्मसंतुष्ट नजर आते हो? तो महात्माओं ने कहा, भाई ये बताओ तुम कहां से आ रहे हो? बोले हम तो नंद बाबा के यहां से आ रहे हैं। बोले हम भी वहीं से आ रहे हैं। तो महात्माओं ने पूछा, तुम कौन से नंबर के दरवाजे से गए थे? बोले हम तो 5 नंबर के दरवाजे से गए थे, वहां वस्त्र बट रहे थे, हम वस्त्र लेकर आ गए। लाला के जन्म की खुशी में वस्त्र बट रहे थे, हम वस्त्र लेकर के आ गए। तुम? हम 4 नंबर के दरवाजे से गए, वहां वस्त्र और बर्तन बट रहे थे, हम वस्त्र और पात्र लेकर के आ गए। और बोले तुम? बोले हम 3 नंबर के दरवाजे से गए, वहां वस्त्र पात्र और भूषण आभूषण बट रहे थे, हम वो लेकर के आ गए। और बोले तुम? बोले हम 2 नंबर के दरवाजे से गए, वहां वस्त्र पात्र भूषण और नकद धनराशि बट रही थी, वो सब हम लेकर के आ गए। अब बाबा जी आप बताओ। संतों ने बड़े आनंद से कहा, भैया हम 5, 4, 3 और 2 नंबर के दरवाजे नहीं, हम तो 1 नंबर के दरवाजे से गए। बोले वहां क्या बट रहा था? बोले वहां कुछ नहीं बट रहा था, वहां तो पालने में नन्हा मुन्ना कन्हैया लेटा हुआ था, हम दर्शन करके आए हैं, हम झूला झूला करके आए हैं। कहते 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 संतों की आंखों में आंसू आ गए। संतों ने हम संसार के लोगों को समझाया कि भाई देखो, जिसे रुपया चाहिए था उसे रुपया मिल गया, जिसे वस्त्र चाहिए थे उसे वस्त्र मिल गए, जिसे भूषण चाहिए थे उसे भूषण मिल गए, जिसे पात्र चाहिए थे उसे पात्र मिल गए, और जिसे परमात्मा चाहिए था उसे परमात्मा मिल गया। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? बोले महाराज जी हम तो संसारी लोग हैं, भगवान की कृपा भी चाहिए और घर संसार का वैभव भी चाहिए, क्योंकि वो वैभव नहीं होगा तो हम अपने सांसारिक दायित्वों को कैसे निभाएंगे। इसलिए भगवान से कहो कि हे प्रभु, सुख संपत्ति साधन सुविधा भी देना, लेकिन अपनी कृपा भी हमारे ऊपर बना करके रखना, साधन भी देना और साधना करने की शक्ति भी देना, साधना करने की प्रेरणा भी देना। अब वे साधन धन्य है जो तेरी साधना में काम आ जाए। कार तुम्हारे भी पास है, कार पड़ोसी के भी पास है, तुम्हें अपनी कार में बैठकर कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, डॉक्टरों के यहाँ अस्पतालों में जाना पड़ता है। चाहते तो बहुत हो हम भी तीर्थ करिया में, पर मौका ही नहीं मिलता। अब पड़ोसी इतना बढ़िया, उसका किसी से झगड़ा नहीं तो कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता, बीमार नहीं तो अस्पतालों में धक्के नहीं खाने पड़ते, और बिहारी जी की ऐसी कृपा, कभी वो वृंदावन चला जाता है, कभी हरिद्वार चला जाता है, तीर्थ यात्रा करता रहता है, और उसकी गाड़ी तीर्थों की परिक्रमा लगाती रहती है। तो गाड़ी दोनों के पास है, गाड़ी माने साधन, साधन दोनों के पास है, लेकिन एक का साधन साधना में काम आ रहा है और एक का साधन संसार में ही उलझाए हुए हैं। इसलिए हे लड्डू गोपाल जी हमें साधन तो देना, हे ठाकुर जी हमें साधन तो देना, लेकिन ऐसे साधन देना जो तेरी साधना में काम आवे। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना, हे परमात्मा तू हमें धन देना, लेकिन ऐसा धन मत देना जो लड़ाई झगड़े में ही नष्ट हो जाए, बीमारियों में ही नष्ट हो जाए, तेरी सेवा में लग जाए, तेरी भक्ति में लग जाए, श्रेष्ठ कार्यों में लग जाए, जिम्मेदारियों को निभाने में लग जाए। तो साधन देना, लेकिन ऐसे साधन देना जो तेरी साधना में काम आवे। मीरा जी से किसी ने पूछा था, मीरा तुझे शर्म नहीं आती? बोले कैसी? बोले तू गिरधर गोपाल को मेरो पति ऐसे कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो शर्म नहीं आती?
तो मीरा जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, सहेली सुन, अरे सखी सुन, मुझ में और संसार की स्त्रियों में यही अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले अंतर ये है कि संसार की स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर कहती हैं और मैं परमेश्वर को अपना पति कहती हूं। समझना, ये नाता हमेशा स्मरण रखो, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और यदि एक बार भगवान मिल गए तो फिर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। कृष्ण प्रिया मीराबाई ने, बहुत सुंदर भाव है मीरा जी का। आइए इन पंक्तियों में मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाएं और तत्पश्चात हम भगवान की बाल लीला की कथा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मिलकर के मेरे साथ गाइएगा। कृष्ण प्रिया मीराबाई ने, कृष्ण प्रिया मीराबाई ने राजघराना त्याग दिया। बोलो कृष्ण प्रिया मीराबाई ने राजघराना त्याग दिया। मन मंदिर में शाम बसे और मन मंदिर में शाम बसे और सारा जमाना त्याग दिया। कृष्ण प्रिया मीराबाई ने राजघराना त्याग दिया। बोलो कृष्ण प्रिया मीराबाई ने राजघराना त्याग दिया। जरा दोनों हाथ खोलो और ताली की सेवा संगीत के साथ भजन का आनंद लो। इस भजन की विशेषता यह है, इस भजन की विशेषता यह है, जैसे बिंदी होती है तो बा से बिंदी, बा से बनवारी, जैसे मेहंदी होती है तो मां से मेहंदी, मां से माधव। जिस नाम राशि का श्रृंगार है उसी नाम राशि का नाम जोड़ करके इस भजन को मैंने एक नए रूप में लिखा है। आइए आनंद लें और बहुत ध्यान से सुनोगे तो बहुत आनंद आपको आएगा। ये इस भजन की विशेषता है। बनवारी की बिंदिया लगाई माधव नाम की मेहंदी। हाँ बोलो बनवारी की बिंदिया लगाई माधव नाम की मेहंदी। सब गाइए, मिलकर के गाइए। बनवारी की बिंदिया लगाई माधव नाम की मेहंदी। हाँ बनवारी लगाई माधव नाम की मेहंदी। कृष्ण नाम के कंगन पहने चित चोर की चुनरी। हाँ हाँ कृष्ण नाम के कंगन पहने चित चोर की चुनरी। नैनों में नंदलाल बसे तो, नैनों में नंदलाल बसे तो पलके उठाना त्याग दिया। कृष्ण प्रिया मीराबाई ने राजघराना त्याग दिया। कृष्ण प्रिया मीराबाई ने राजघराना त्याग दिया। मन मंदिर में बसे और मन मंदिर में शाम बसे और सारा जमाना त्याग दिया। कृष्ण प्रिया मीराबाई ने राजघराना त्याग दिया। जय हो कृष्ण प्रिया मीरा।
जी की सेवा करते हुए। नथनी है और मनमोहन की माला, हाँ हाँ। नारायण की नथनी है और मनमोहन की माला, नारायण की नथनी है और मनमोहन की माला। बोलो बोलो, नारायण की नथनी है और मनमोहन की माला। हर गहने में गिरधर बैठा, दिल में दीन दयाला, हर गहने। गोविंद के गुण गाकर हो गई बांके की बावरिया, गोविंद के गुण गाकर हो गई बाके की बावरिया। अमर सुहागिन कहलाई कहीं, अमर सुहागिन कहलाई कहीं, आना जाना त्याग दिया। मन में मुरारी, अंत में लिखा है, मन में मुरारी ऐसे बैठे जैसे दीप में ज्योति, हाँ हाँ। मन में मुरारी ऐसे बैठे जैसे दीप में ज्योति, उनके लिए ही हस्ती मीरा उनके लिए ही रोती, उनके लिए ही हस्ती मीरा उनके लिए ही रोती। दुनियादारी की बातों से, दुनियादारी की बातों से मन बहलाना त्याग दिया। राजघराना त्याग दिया, बोलो। कृष्ण प्रिया मीरा बाई ने राजघराना त्याग दिया। मन मंदिर में शाम बसे और मन मंदिर में शाम बसे और सारा जमाना त्याग दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम
सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों ध्यान रखना, महापुरुषों ने कहा जिन्हें संसार चाहिए था उन्हें संसार मिल गया, और जिन्हें परमात्मा चाहिए था उन्हें परमात्मा मिल गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। विष पिलाने आई राक्षसी पूतना को भी धात्र्योचित गति प्रदान करते हैं भगवान, माता के समान गति प्रदान करते हैं। उनके जैसा कौन दयालु होगा। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला इसका नाम था। वामन बनकर के भगवान राजा बलि के यहां आए थे। इसने देखा तो मन में कामना हुई, इतना सुंदर बालक, मन करता है गोद में लेकर के लाड़ लड़ाऊं, दूध पिलाऊं। लेकिन जब वामन बने भगवान ने राजा बलि का सब कुछ छल लिया, तब रत्नमाला को क्रोध आया और कहती है, नहीं नहीं, ये दूध पिलाने लायक नहीं, ये तो विष पिलाने लायक है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम कृष्ण बनकर के आएंगे, तुम पूतना बनकर के आना, और हम तुम्हारी दोनों ही कामना पूरी करेंगे, दूध भी पिएंगे और विष भी पिएंगे। और देखो कैसी चतुराई से उसने भगवान को विष पिलाना चाहा। लेकिन आश्चर्य तो भगवान के स्वभाव पर होता है कि विष पिलाने आई पूतना को भी माता के समान गति प्रदान कर दी। क्यों? भगवान कहते, अरे पूतना, तैने भले ही मुझे अपना पूत ना माना, लेकिन मैं तुझे मां मान चुका हूं, और जब मैं तुझे मां मान चुका हूं तो मां जैसी गति मुक्ति प्रदान करना मेरा दायित्व तो है। जो गति अनेकानेक अवतारों में अनेकानेक माताओं को मैंने प्रदान की है, और विशेष रूप से जो गति रामावतार में मैंने मां कौशल्या सुमित्रा केकई को प्रदान की है, जो गति कृष्णावतार में मां देवकी रोहिणी यशोदा आदि माताओं को प्रदान करूंगा, उनसे पहले वह गति मैं तुझे प्रदान करता हूं। ये भगवान का स्वभाव है, उनके जैसा कौन दयालु होगा। आप विचार करके देखो, अब आप सोच लो कि एक विष पिलाने आई पूतना को भगवान इतनी परम गति प्रदान कर रहे हैं, तो हम तो ठाकुर जी को 56 भोग निवेदन करते हैं, क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? जय हो, जय हो। जब वे एक विष पिलाने आई पूतना पर कृपा कर सकते हैं, तो क्या हम भजन करने वालों पर और 56 भोग निवेदन करने वालों पर, सेवा करने वालों पर? वो तो वे जानते हैं हम मन से करते हैं या बेमन से करते हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना, क्या हमारे ऊपर गोविंद कृपा नहीं करेंगे? हमारे ऊपर भी श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे, इसलिए उनके जो भी कार्य हैं वो हमें प्रसन्नता पूर्वक करते रहना चाहिए। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान के बाल रूप की महिमा बड़ी विलक्षण है, और भगवान के 24 अवतारों में बाल रूप का दर्शन केवल राम अवतार और कृष्ण अवतार में ही संभव है। बाकी अवतारों में बाल रूप का दर्शन आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी अवतार तो क्षणिक अवतार हैं, आवेश अवतार हैं भगवान के, लेकिन पूर्णावतार तो राम और कृष्ण है। तो राम अवतार में भी आप बाल रूप का दर्शन कर सकते हैं, कृष्ण अवतार में भी आप बाल रूप का आनंद ले सकते हैं। और कृष्णावतार में तो भगवान ने विशेष बाल लीला का रस बरसाया है, रामावतार में जो रस शेष रह गया था उसको ठाकुर जी ने अपने भक्तों के आनंद के लिए कृष्णावतार में बरसाया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। रामचंद्र जी तो घर घर जाकर मटकी नहीं फोड़ सकते, पर कृष्ण भगवान जाते हैं। रामचंद्र जी का तो एक मर्यादा का स्वरूप है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो जो कुछ रामावतार में रस वर्षा शेष रह गई थी, उसको कृष्णावतार में श्री ठाकुर जी ने भक्तों के घर घर जाकर के आनंद बांटा है। क्या बांटा है?
लोग कहते हैं माखन लूटा है, मैं कहता हूं माखन नहीं लूटा, आनंद बांटा है। माखन लूटने के बहाने से ठाकुर जी ने आनंद बांटा है। भगवान तो आनंद ही देते हैं ना। सुंदरकांड पढ़ते हो, एक पंक्ति आती है, उसने दूर से देखे दोनों भैया राम लक्ष्मण, तो क्या लगा उसको, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैना आनंद दान के दाता। भगवान किस चीज का दान देते हैं, बोले नेत्रों को आनंद का दान देते हैं, नेत्रों को आनंद का दान देते हैं। जब हम उनका दर्शन करते हैं तो नेत्रों को आनंद होता है, और जब हम उनकी कथा सुनते हैं तो कानों के माध्यम से हृदय को आनंद होता है। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस बाल रूप के दर्शन के लिए भोले बाबा बड़े लालायित रहते हैं, रामावतार में भी और कृष्णावतार में भी, और कृष्णावतार में तो विशेष रूप से दर्शन करने आए, और मैया से आग्रह करते हैं कि मैं जोगी हूं 80-90 साल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का। सो मैया क्या बोली, मैया बोली जा रे जा भोले भंडारी, और तेरी लंबी लंबी दाढ़ी, और तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा, डमरू ना खड़का त्रिपुरारी, अभी अभी सोया किशन मुरारी, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा, तू तो राखे नाग पिटारी, तेरी भूतों के संग यारी, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा, मैं तो मोहन की महतारी, और क्यों ना समझे तू लाचारी, और तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा। गैया ले जा बछिया ले जा शाल दुशाला, तू गैया ले जा बछिया ले जा शाल दुशाले ले जा, दूध दही की मटकी ले जा, खूब खा पी सेहत बना, पर लल्ला का दर्शन नहीं कराऊंगी। गैया ले जा बछिया ले जा शाल दुशाला, और दूध दही की मटकी ले जा, खा पी हो मत वाला, डमरू ना खड़का त्रिपुरारी, अभी अभी सोया किशन मुरारी, तुझे देख के लल्ला मेरा डर जाएगा। सो भगवान शंकर ने भी कह दिया, मैया तुझे मुबारक मोती तेरे, ये मोती लेने नहीं आए, हम तो तेरे लल्ला का दर्शन करने आए हैं, और दर्शन किए बिना जाएंगे नहीं, एक पग भी तेरी द्वार की दहली से हम हिलने वाले नहीं है। तुझे मुबारक मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, मैं भूखा नहीं धन माल का, मैं भूखा नहीं धन माल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का, मैया मुखड़ा दिखा दे नंद लाल का। अब मैया जिद पे अड़ी है, नहीं दर्शन नहीं कराऊंगी, अब ठाकुर जी तुम ही कुछ करो। तो शंकर भगवान ने ठाकुर जी से कहा, क्योंकि माँ की गोद में लल्ला और लल्ला पे पल्ला, माँ की गोद में लल्ला और लल्ला पे पल्ला, अब तुम ही कुछ करो। तो ठाकुर जी ने अपने नन्हे नन्हे चरण चलाने शुरू कर दिए। श्री ठाकुर जी के नन्हे नन्हे चरणों की बाल सुलभ चेष्टा से वह पल्ला हट गया, शंकर जी को कन्हैया का और कन्हैया को शंकर जी का दर्शन हो गया। जर 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 नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। घट घट वासी नाम धराया, फिर भी रखते दूरी, या तो मेरा खोट बता दो या अपनी मजबूरी। आहा, हे प्रभु आपका नाम तो घट घट वासी है, और मैं दर्शन करने आया तो आप माँ के आंचल में छुप गए, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। भगवान ने कृपा करके दर्शन दे ही दिए। शंकर जी को लाला के दर्शन, लाला को शिव जी के दर्शन हो गए। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के भगवान हैं। मैया ने कहा लो बाबा दर्शन हो गए, अब तो अपने धाम पधारो। शिव जी ने बड़े प्यार से नजर उतारी है, कृष्ण भगवान की नजर उतारी, कैसे, अपनी जटाएं खोल ली और मुट्ठी में जटाएं पकड़ करके ऐसे ऐसे बारी, और जटाओं को ठाकुर जी के चरणों से लगाया,
फिर माथे से लगाया, ऐसे तो नजर उतार रहे हैं, चरणों से लगाए माथे से माने प्रणाम कर रहे हैं, मन में कहा कि मैं तो इतनी देर से मत्था टेक रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, तुम तो आशीर्वाद देते ही नहीं हो, अपना रूप छुपा रहे हो, कृपा करो तो ठाकुर जी को कौन सा देर लगती कृपा करते, ऐसे झपट्टा सा मारा, बाबा जी की जटाएं पकड़ ली, भोले बाबा की जटाएं पकड़ ली। अब मैया डर गई कि बालक जो पकड़ ले छोड़ता नहीं है, मैया डर गई, और मैया कहे कान्हा बाबा भूत बाबा भूत बाबा, बाबा की जटाएं छोड़, अब वो नहीं छोड़े। तो सुर नर मुनि इस दृश्य का दर्शन करते हैं और कहते हैं मैया किसकी जटाएं छुड़ाने चली हो, सच्ची बात तो ये है कि शंकर जी तेरे लल्ला को प्रणाम कर रहे हैं और तेरा लल्ला शंकर जी को आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और ये दोनों एक दूसरे के भगवान हैं, इनकी महिमा को जाना नहीं जा सकता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दर्शन हो गए, आनंद हो गया। अब मैया बोली बाबा ये जो दान दक्षिणा में निकाल के लाई थी अब वापस थोड़े ही ना रखूंगी, ये भी लेते जाओ। तो शंकर जी ने झोली पसार दी, ला मैया झोली में डाल दे। मैया ने कहा अभी तो कह रहे थे कंकड़ पत्थर किस काम के, अब लेने लगे। तो शंकर भगवान ने बड़ी प्यारी मार्मिक बात कही, शिव जी ने कहा माँ सुन, पहले जो कुछ सामग्री मिल रही थी तेरे लल्ला के दर्शनों के बिना मिल रही थी और अब दर्शनों के पश्चात मिल रही है, और ध्यान देना जो कुछ भगवान के दर्शनों के बिना मिलता है वो तो पदार्थ होता है और दर्शनों के पश्चात जो मिलता है वो प्रसाद होता है। क्या होता है? प्रसाद होता है, और प्रसाद से जीवन में प्रसन्नता आती है। क्या आती है? दो चीजें हैं, एक तो जयकारा और एक प्रसाद। जयकारा क्या करता है? जय घोष असंभव को संभव कर देता है, एकाग्रता मन में आती है, जोश उमंग मन में आती है और दुस्तर कार्य भी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो, सामने पहाड़ हो पर तुम्हारी सिंह सी दाढ़ हो, जयकारे में इतना बल है। जयकारा असंभव को संभव बना देता है, और प्रसाद उदासी को प्रसन्नता में बदल देता है। कोई बहुत उदास बैठा उसके पास प्रसाद लेके चले जा, लो भगवान जी का प्रसाद, खुश हो जाएगा, मेरे भगवान ने मेरे दुख दूर करने के लिए प्रसाद भेज दिया। फल तो वही है, बाजार में रखे हैं, पदार्थ हैं, लेकिन भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद हो गए। एक बाऊजी बहुत बीमार थे, अस्पताल में थे, डॉक्टर लोग कोशिश कर रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे कोई बात नहीं इनको ठीक करो, पैसा कितना भी लग जाए हमारे बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे बच्चे खूब सेवा कर रहे थे, रिश्तेदार भी मिलने आ रहे थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिए क्या करें, बोले घर ले जाओ, बोले नहीं और दो चार दिन रख के देखो, हो सकता है मालिक सुन ले कोई कृपा हो जाए। रिश्तेदार आ रहे हैं मिलने के लिए, फल ले लेकर के आ रहे हैं, और जिनसे मिलने आ रहे हैं वे बाबूजी तो उस स्थिति में है, वे किसी को राम राम का उत्तर भी नहीं दे पा रहे, पहचान भी नहीं पा रहे, और रिश्तेदार फल ले लेकर के आ रहे हैं, पेटियां की पेटियां टोकरियां की टोकरियां वहां अस्पताल में पड़ी हैं, फल पड़े हैं, सब मिलने आ रहे हैं, जरा सा मिलते हैं फिर सब अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं, यही जगत की झांकी है, क्या करें। एक उनकी बेटी छोटी वाली वो दूर रहती थी थोड़ा, उसको भी फोन कर दिया, गुड़िया तू भी आ जा, गुड़िया कहा करते थे घर में, वो भी चली आई, सोचती है पता नहीं फिर बाऊजी से मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी, छोटी है लाडली होती, आ रही है, दूर रहती थी, आने में विलंब हो रहा था, रस्ते में गुरु महाराज जी का मंदिर आया। इसने विचार किया चलो अस्पताल तो पहुंचूंगी, सीधे अस्पताल ही जाऊंगी बाऊजी को देखने, एक बार गुरु महाराज जी के मंदिर मत्था टेक लूं। श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में मत्था टेका और वहां से एक संतरे का प्रसाद मिला। क्या मिला बोलो?
संतरे का प्रसाद मिला, गुरु महाराज जी को मत्था टेक करके प्रार्थना करके प्रणाम करके वो आई और सीधी वो अस्पताल में पहुंची। सब लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, वो भी आई और फिर किसी ने उन बाऊजी के कान में कहा, बाऊजी बाऊजी गुड़िया आई है। क्या कहा? कभी कभी किसी में मोह अटक जाता है, बाऊजी बाऊजी गुड़िया आई है, किसी ने कान में कहा, ऐसे एकदम से छटपट आए। पता नहीं वही उनके मोह अटका हुआ था, प्राण अटके हुए थे, एकदम से छटपट आए और गुरु महाराज जी के मंदिर मत्था टेक के आई। उन्होंने प्रसाद भेजा गुरु महाराज जी ने और तत्काल वो छील करके संतरा और उसमें से एक भाग निकाल करके बूंद बूंद करके उनके अधरों पर टपकाया डाला। उन्होंने अपनी तरफ से बोले, दवाइयां बहुत दे करके देख ली, दवाइयों की अपनी महिमा है, अपना कार्य है, लेकिन सब चीजें जब जवाब दे जाती हैं तब महापुरुषों का गुरुजनों का आशीर्वाद जीवन में फलीभूत होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि धीरे 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 बाऊजी की सेहत में सुधार होना शुरू हो गया और वो बड़े खुश होके बताते हैं, बोले वो छोटा सा संतरा नहीं था, वो तो मेरे गुरु महाराज जी खुद मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, वे खुद प्रसाद के रूप में आए हैं और उन्होंने मुझे मरते मरते को वहां पकड़कर बचा लिया, अभी नहीं तुझे जाने दूंगा, कहां जाता है, लौटा। और आश्चर्य की बात, आज भी आजकल भी वो बाऊजी मुझे मिलते हैं, सवेरे दूध लेने जाते हैं अम्मा हमारे मोहल्ले में, तो उधर से वो सैर करते हुए सवेरे मिल जाते हैं और मैं कि बाऊजी राम राम कैसे हो, बोले अभी नहीं जाने वाला, कैसे हो ये मत पूछा करो, राम राम करा करो, बस प्यार से कहो राधे राधे राधे, डांट देते हैं। बोले मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है क्योंकि मेरी बांह उन्होंने पकड़ रखी है, प्यार से कहो जे तू ना फड़दा साडी बांह सा रुल जाना सी। तो प्रसाद में तो इतना बल है, प्रसाद में तो इतनी शक्ति है, प्रसाद हमारे जीवन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देता है। और जयकारा असंभव को भी संभव बना देता है। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो भगवान शंकर ने मैया जसोदा से यही कहा कि मां ये जो कुछ मिल रहा था तेरे लल्ला के दर्शनों के बिना मिल रहा था, तो ये पदार्थ था और अब लाला के दर्शनों के बाद मिल रहा है तो प्रसाद है। अब प्रसाद तो झोली पसार के लेना चाहिए, प्रसाद से तो प्रसन्नता आती है। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की सेवा में बहाने नहीं बनाने चाहिए। लोग बहाने बना, हम इतवार को आएंगे, अभी तो नहीं, हम तो एक दिन बाद आएंगे, अभी तो नहीं, हम 3 बजे नहीं, हम तो 5 बजे आएंगे, महाराज जी आरती से पहले तो पहुंच ही जाएं, ऐसे किंतु परंतु बहाने भगवान की सेवा में नहीं बनाने चाहिए। जब जितना समय मिले अधिक से अधिक सेवा में उनकी समय हमें समर्पित करना चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। दुनियादारी के लिए कई कई घंटे बैठे रहते हो, डॉक्टर की इंतजार में कई घंटे बैठे रहोगे, रेलगाड़ी की इंतजार में कई घंटे बैठे रहोगे और कथा कीर्तन सत्संग में जी चुराते हो, कैसे कल्याण होगा? अंत में तो ये नाम ही काम आएगा ना, पुत्र को ले गई पुत्र वधु, हमने कल बताया था ना, और पुत्री को दामाद, पुत्र को ले गई पुत्र वधु, पुत्री को दामाद, और पल तो बावरे कर ले कृष्ण को याद है, पल तो ठाकुर जी को याद करो तभी कल्याण होगा। दुनिया की नौकरी करते हो, मेरे गोविंद की नौकरी करो, बेड़ा पार हो जाएगा। एक भजन मैंने लिखा है, आओ आनंद लो, और भजनों के साथ कथा का क्रम थोड़ा आगे बढ़ाने में सुविधा रहती है, आओ मिलकर के आनंद लें और मीठी मीठी तालियां बजाते रहें। संसार की नौकरी करते हो, ठाकुर जी की नौकरी करो, लोक भी सुखी हो जाएगा पर लोक भी सुखी हो जाएगा। कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, क्या कहना है? कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से। कौन कौन करेगा ठाकुर जी की सेवा? दोनों हाथ ऊपर। एक सखी कह रही है, हे सखी हम ठाकुर जी को अपने घर बुलाएंगे और यदि वे नहीं आए
तो फिर कल हम वृंदावन चले जाएंगे। जरा दोनों हाथ ऊपर, ऐसा भाव होना चाहिए। कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से। अच्छा, कोई नौकरी करता है तो उसको पगार भी तो मिलती है। पगार क्या है? ये भक्ति भाव है, सुनिए जरा ध्यान से। कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, तू भी मेरा मन बहलाना, 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 बांसुरी की तान से। कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से। जरा मिलके ताली बजाओ मन से, जय हो। चंदन का तो तिलक लगाऊं गल फूलों की माला, चंदन का तो तिलक लगाऊं गल फूलों की माला, अरे चंदन का तो तिलक लगाऊं गल फूलों की माला। बोलो बोलो। चंदन का तो तिलक लगाऊं गल फूलों की माला, माखन मिश्री अर्पण करके दर्श करूं नंदलाला, माखन मिश्री अर्पण करके दर्श करूं नंदलाला, माखन मिश्री अर्पण करके दर्श करूं नंदलाला, माखन मिश्री अर्पण करके दर्श करूं नंदलाला। केसरिया साफा मंगवाया, केसरिया केसरिया साफा मंगवाया, केसरिया साफा मंगवाया जयपुर राजस्थान से। कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, ओ कान्हा तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, ओ लाला तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, तू भी मेरा मन बहलाना, तू भी मेरा मन बहलाना, बांसुरी की तान से। कन्हैया ओ लाला तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, नंद लाला तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से, नंद लाला तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से। हरि बोल। बहुत प्यारे भाव हैं।
कभी कभी तो मिलता मौका, ये सेवा का अवसर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कभी कभी तो मौका मिलता तेरे द्वारे आने का, कभी कभी तो मौका मिलता तेरे द्वारे आने का। तुम हो ठाकुर वृंदावन के, मैं हूँ भगत हरियाणे का। तुम हो ठाकुर वृंदावन के, मैं हूँ भगत हरियाणे का। कभी कभी तो मौका मिलता तेरे द्वारे आने का, कभी कभी तो मौका मिलता तेरे द्वारे आने का। तुम हो ठाकुर वृंदावन के, मैं हूँ भगत हरियाणे का। तुम हो ठाकुर वृंदावन के, मैं हूँ भगत हरियाणे का। करूँ तुम्हारा स्वागत कान्हा, तुम्हारा स्वागत कान्हा। करूँ तुम्हारा स्वागत कान्हा, करूँ तुम्हारा स्वागत कान्हा। वृंदावन के पान से करूँ तुम्हारा स्वागत कान्हा, करूं तुम्हारा स्वागत काना वृंदावन के पान से। करूं तुम्हारा स्वागत काना वृंदावन के पान से। कन्हैया जय हो, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से। 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 जरा ताली बजाओ पीछे तक, जय हो। वृंदावन में आकर कान्हा जगत लगे बेगाना, वृंदावन में आकर कान्हा जगत लगे बेगाना। जब से देखा तुझे कन्हैया मैं तो हुआ दीवाना, जब से देखा तुझे कन्हैया मैं तो हुआ दीवाना। मोहन तूने जादू डाला, मोहन तूने जादू डाला, मोहन तूने जादू डाला, मोहन तूने जादू डाला। मीठी सी मुस्कान से कन्हैया नंदलाला, कन्हैया तेरी नौकरी करूंगा दिल जान से। 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 जरा ताली की सेवा करो, जय हो। कृष्ण जिन्होंने तुलसीदास जी को राम रूप में दर्शन दे दिए, सूरदास को कुएं में से महा पकड़कर बाहर निकाल दिया, रसखान को हृदय से लगा लिया, ऐसे मेरे ठाकुर जी। इसलिए अंत में लिखा, गर्मी सर्दी बारिश आंधी दिन हो या हो रात,
गर्मी सर्दी बारिश आंधी रात, गर्मी सर्दी बारिश आंधी दिन हो या हो रात, बोलो बोलो, गर्मी सर्दी बारिश आंधी दिन हो या हो रात, तेरा नाम कभी ना भूलूं मेरे दीनानाथ, तेरा नाम कभी ना भूलूं मेरे दीनानाथ, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, दोनों हाथ ऊपर करके कह दो, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, कहता हूँ ईमान से कन्हैया तेरी नौकरी करूँगा दिल जान से, कन्हैया तेरी नौकरी करूँगा दिल जान से, नंदलाला तेरी चाकरी करूँगा दिल जान से, नंदलाला तेरी चाकरी करूँगा दिल जान से, तू भी मेरा मन बहलाना, 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 बांसुरी की तान से, कन्हैया तेरी नंदलाला तेरी हाजरी भरेंगे, नैया नगर बुलबा के बिहारी लाल की जय, प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, तो भगवान की सेवा मिल जाए, उनका प्रसाद मिल जाए, तो जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान शंकर सबको यही बता रहे हैं कि जो प्रभु के दर्शनों के बिना मिलता है वो पदार्थ होता है, और प्रभु दर्शनों के बाद जो मिलता है वो प्रसाद होता है। और ऐसा बाल रूप हृदय में बसा लिया, मैया ने सब कुछ दिया, शिव जी ने सब कुछ लिया और फिर सब कुछ बांट दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने पास क्या रखा, अपने पास रखा अपने हृदय में भगवान का स्वरूप, अपने हृदय में भगवान का स्वरूप। और जिन्होंने अपने मन मंदिर में गोविंद के स्वरूप को धारण कर लिया है उनका मन पवित्र हो जाता है, और साधना के द्वारा पवित्र मन को ही सबसे बड़ा तीर्थ बताया गया है। साधना के द्वारा जिन्होंने अपने मन को पवित्र कर लिया है उनका मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है, उनका मन ही पवित्र है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब यहां से भगवान की वे मन हरण बाल लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिनको सुनने के लिए सारा संसार व्याकुल रहता है, ऋषि मुनि छटपटाते रहते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, आज नन्हे मुन्ने ठाकुर जी ने करवट ली, क्या किया, करवट ली, और माँ ने मिठाइयां पकवान बनवाए और बांट दिए, तो लोगों ने पूछा माता जी आज कौन सा त्योहार है, अरे बोले त्योहार कुछ नहीं है, मेरे लल्ला ने करवट ली है इसलिए मिठाइयां बांट रही हूं, मेरे बालक ने करवट ली है इसलिए माँ है, जो बालक की जरा सी करवट लेने पर भी त्योहार, माँ को त्योहार मनाने के लिए पंचांग नहीं देखना पड़ता, हम लोगों को तो त्योहार मनाने के लिए तिथि पंचांग देखने पड़ते हैं, लेकिन माँ को त्योहार मनाने के लिए पंचांग नहीं देखना पड़ता, जब अपने बालक की खुशी हो वो तभी त्योहार मना देती है, जब अपने बालक की प्रसन्नता हो वो तभी मिठाइयां बना करके बांट देती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक बच्चा सूर्य भगवान से कहता है, हे सूर्य भगवान तुम छोटे मेरी माँ बड़ी, तो सूर्य भगवान ने पूछा माँ कैसे बड़ी, बोले तुम तो बाद में आते हो माँ पहले उठ जाती है, मेरा अब मेरा चखा हुआ प्रसाद, ऐसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा किया करते हैं। और ये जब दृश्य चल रहा था तो टुकुर टुकुर छिप करके एक ब्रजनारी ने देख लिया, उसने जाकर जसोदा जी के कान भरे, जसोदा तेरा लल्ला सुखिया मालिन की गोद में चढ़ा बैठा है, जिसके फलों को कोई नहीं खरीदता, अछूत कहते हुँ? जिसके पास कोई खड़ा नहीं होता, ऐसी छुआछूत बहुत रहती है समाज में,
और भगवान इन्हीं चीजों को तो दूर करने के लिए आते हैं, ये भेदभाव जो है इसी को तो नष्ट करने के लिए भगवान धरती पे आते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और उस परमात्मा की सृष्टि में सब हरि के दास हैं, कोई अछूत कैसे हो सकता है। इन सब भेदभाव की भावनाओं को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए देखो शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए और यहां पर अपना चखा हुआ सुखिया को खिला रहे हैं। भगवान कहे शबरी हो या सुखिया, मेरे लिए तो दोनों बोलो एक जैसी हैं। विदुर हो या सुदामा, मैं तो भक्ति के नाते को स्वीकार करता हूं, मान हूं एक भगत कर नाता। कान भरने वालों की कमी नहीं दुनिया में भाई साहब, कान भरने वालों की कमी नहीं दुनिया में, संसार में है बड़ी विचित्र स्थिति है। एक ने देख लिया छुप करके टुकुर टुकुर और कहती जसोदा तेरा लल्ला सुखिया मालिन की गोद में चढ़ा बैठा है। अब ये सोच रही थी कि जसोदा को गुस्सा आएगा, लाला को भी डांट पड़ेगी और मालिन को भी डांट पड़ेगी, लेकिन जसोदा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो मालिन सोचने लगी, हतप्रभसी रह गई, सोचने लगी तुझे क्रोध नहीं आया? बोले नहीं क्रोध नहीं आया। तो इसने एक और आग लगाई, क्या? अरे गोद में नहीं चढ़ा बैठा उसे, मां मां कह के बुला रहा है, अपना चखा हुआ उसे खिला रहा है। अब सोची कि अब क्रोध, मैया को और आनंद आ गया, तू कृष्ण की लीला सुनाती रहे, मेरे कान्हा की कहानी सुनाती रहे, मुझे आनंद आ रहा है सुन के, मां को आनंद आ रहा है। तो ये बावरी सी हो गई, अरे मैं तो तुझे इतनी कोशिश कर रही हूं क्रोध आवे और तुझे क्रोध नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो जसोदा मैया के विचार सुनो आप, कितनी उच्च कोटि की बात मैया ने कही। बोले मुझे क्रोध नहीं आ रहा, मैं तो ये चाहती हूं कि मेरा जो कृष्ण है, मेरा कान्हा जैसे सुखिया की गोद में बैठा ना, ऐसे ब्रज की सब स्त्रियों की गोद में जाकर के मेरा बालक बैठे, सबकी गोद में जाकर, सबकी गोद में जाकर के मेरा कृष्ण बैठे। तो आश्चर्य हुआ उसको, प्रभावती को आश्चर्य हुआ, उसने कहा सबकी गोद में जाके कृष्ण बैठेगा, इसमें तेरा क्या लाभ है? बोले मेरा परम लाभ है। बोले क्या लाभ है? बोले मेरा लाभ ये है कि जब सब ब्रजनारियों की गोद में यदा कदा जाकर के मेरा कृष्ण बैठेगा और उनको माँ कह के पुकारेगा, गोद में बैठेगा और उनको मेरा बालक माँ कह के पुकारेगा, तो कान्हा के मुंह से अपने लिए वे नारियां माँ शब्द सुनकर इतनी गदगद हो जाएंगी, मेरे लल्ला के सिर पे हाथ फेर फेर के आशीर्वाद देंगी, मेरे बालक के सिर पे हाथ फेर फेर के आशीर्वाद देंगी, और उनके आशीर्वादों से मेरा लल्ला लंबी उम्र वाला हो जाएगा, चिरंजीव हो जाएगा, लंबी उम्र वाला हो जाएगा, और क्या चाहिए है? एक माँ के बालक को इतनी सब माताओं के आशीर्वाद मिले और क्या चाहिए, और उसमें भी लंबी उम्र का आशीर्वाद, तो वो माँ तो वैसे ही धन्य हो जाएगी। तो जसोदा माँ का दृष्टिकोण देखो और संसार का दृष्टिकोण देखो, संसार का दृष्टिकोण बड़ा विचित्र है, लेकिन यशोदा जी तो यशोदा है ना, कृष्ण की मैया, कृष्ण भी सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जसोदा भी सबको यश प्रदान करती है, जसोदा भी सबको यश प्रदान करती है। मैं धन्य हो गई, मेरे लल्ला उसकी गोद में जाकर के बैठा और उसे माँ कह के पुकार रहा है। मैं तो चाहती हूं सबकी गोद में बैठे, सबको माँ कह के पुकारे। ये माई तो सिखाती है कि देखो तुम्हें संसार में कैसे रहना है, अपनी दृष्टि कैसी रखनी है, है? माई तो बताती है कि क्या भाव अपने मन के रखने हैं, दृष्टि पवित्र होगी तो मन भी पवित्र रहेगा। तो ये माँ है जो कान्हा को बचपन से ही अच्छे संस्कार देती है, बेटा मैं चाहती हूं मेरा कृष्णा सबकी गोद में जाके बैठे, सबको माँ कह के पुकारे, और माँ कहेगा तो आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। ऐसे ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं, और जब वह सुखिया मालिन, ध्यान देना वो है सुखिया मालिन, लौट करके घर आई तो वो जो धान के दाने थे क्या बन गए? बोलो जी, हीरे मोती बन गए, हीरे मोती बन गए। लेकिन वो हीरे मोती लिए और इतने सब ढेर लग गए, गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन जो सुख कृष्ण को गोद में बिठा करके मिला था
वो सुख हीरे मोतियों से तोला नहीं जा सकता, तो हीरे मोती की भरी टोकरियां लुटाती जा रही है, टोकरी खाली होने का, ये तो बरकत कृष्ण की है, टोकरी खाली होने का नाम नहीं ले रही, लुटाती जा रही है। बोले हीरे मोती पोता पोती ये सब मेरे किस काम के, मैंने तो आज कृष्ण को गोद में बिठा करके वो सुख प्राप्त कर लिया जो कृष्ण को गोद में बिठाकर जसोदा जी को सुख प्राप्त होता है, आज मैंने वो सुख प्राप्त कर लिया। और मालिन कहती बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी नौकरी, जरा दोनों हाथ ऊपर कर लो, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, जय हो, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, जरा मिलके गाओ आनंद आएगा, बहुत प्यारा भजन है और एक एक शब्द को सुनोगे तो एक दृश्य आपकी आंखों के सामने बन जाएगा। बनवारी ओ मोहन मोरारी निराली तेरी नौकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, 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 जय हो, जरा ताली की सेवा मिलके पीछे तक, एक दो तीन चार, फल वाली बुढ़िया को फल मिल गया रे, फल वाली बुढ़िया को फल मिल गया रे, लोगों ने नाम धर दिया था इसका फल वाली बुढ़िया, लेकिन आज इसे साधना का फल मिल गया, भगवान गोद में आ गए, यही जिंदगी का फल है असली, जरा दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। फल वाली बुढ़िया को फल मिल गया रे, फल वाली बुढ़िया को फल मिल गया रे, शाम को पाकर मन खिल गया रे, शाम को पाकर मन खिल गया रे, नंद के लाला जपूं तेरी माला लगाऊं तेरी हाजरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, जय हो बनवारी ओ मोहन मोरारी निराली तेरी नौकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, हीरे मोतियों से भर दी तेरी टोकरी। और उस फल वाली ने नंद नंदन श्याम सुंदर को गोद में बिठाया, देवता उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं, जरा ताली बजाओ। गोपाल को गोद में बिठाया, बाल गोपाल को गोद में बिठाया, दुखियारी ने बड़ा सुख पाया, दुखियारी ने बड़ा सुख पाया, तेरी रहमत
नेमत से बड़ी यहाँ दौलत नहीं है कोई दूसरी। हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी। जरा ताली की सेवा करते हुए बोलो, बनवारी ओ मोहन मोरारी निराली तेरी नौकरी। हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी। और कृष्ण कृपा से बदली कहानी, कृष्ण कृपा से बदली कहानी। सफल हो गई ये जिंदगानी, सफल हो गई ये जिंदगानी। नाचू गाऊं तुम्ही को रिझाऊं बनू मैं तेरी बावरी। हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी। जय हो बनवारी ओ मोहन मोरारी निराली तेरी नौकरी। हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, बोलो हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी। आखिर में बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है, जरा हाथ ऊपर कर लियो भैया, ताली बजाओ। एक दो तीन चार, ठाकुर जी की जय जय। जुग जुग जीवे कुंवर कन्हाई, जुग जुग जीवे कुंवर कन्हाई। और इस दुआ में मंगल आशीर्वाद में कितनी बढ़िया बात है, ध्यान देना। दुआ दे गई सबसे, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती किसी माँ के लिए उसके बच्चे को ऐसा आशीर्वाद मिले। दुआ दे गई बूढ़ी माई, दुआ दे गई बूढ़ी माई। जुग जुग जीवे कुंवर कन्हाई, जुग जुग जीवे कुंवर कन्हाई। और जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी चढ़े ब्याह की हल्दी, जल्दी जल्दी चढ़े ब्याह की हल्दी, दुल्हन मिले सांवरी। लल्ला भी तो सांवरा है ना। जल्दी जल्दी चढ़े ब्याह की हल्दी, दुल्हन दुल्हन मिले। हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी। बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी नौकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बनवारी ओ मोहन
निराली तेरी नौकरी, हीरे मोतियों से भर दी मेरी टोकरी। भगवान ने घर घर जाकर सबके दुखों को चुराया है। माखन तक जाई बेको लला ने मार्ग ढूंढो नयो, बाल सखन की सीढ़ी बनाए के तापर ठाड़ो भयो। ग्वालन को सेनापति जैसे ही छींके तक गयो, तो छींकी मनसुखा ने छींके को खेल खत्म कर दयो। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोबारा से सीढ़ी बनाई, माखन तक पहुंचे, माखन निकाला, सबको खिलाया, अपने आप खाने लगे तो घंटी बज गई। अब प्रभावती ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, कस के बांध दिया। अब फिर भगवान थोड़ा सा रोए, बोले इतना कस के क्यों बांधा, तो ढीला करने लगी, तो नीचे को छोटे से होके निकल गए। बोले ले बांधेगी क्या, तुझे बांधना नहीं आता। बोले तुझे बांधना आता है क्या, बोले हाँ। बोले बांध के बता। बोले खड़ी हो, तो उसी के घर में उसी की रस्सी से उसे बांध दिया। भगवान कहते मैं किसी को नहीं बांधता, प्राणी के कर्मों की रस्सी ही प्राणी को बांध देती है, मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को बांध देते हैं। एक कर्म मुक्ति का साधन बनता है, एक कर्म बंधन का साधन बनता है। प्रेम से कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कान्हा मक्खन खा मटकी फोड़ पर मुझे छोड़, माखन खा मटकी फोड़ पर मुझे छोड़, घर में काम बहुत है। तो मदानी उठाई ठाकुर जी ने और मटकियां फोड़नी प्रारंभ कर दी। फोड़ दूं, फोड़ दे, फोड़ दूं, फोड़ दे, फोड़ दूं, फोड़ दे, पांच सात दस मटकियां फोड़ दी। एक कोरी 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 मटकी रखी थी। ग्वालिन कहती ना लला ये ना फोड़। बोले क्यों? बोले ये मेरी है। अब बाकी बोले सास की थी सब। भगवान कहते गोपी मिट्टी की मटकी नहीं, फिर बोले अज्ञानता की मटकी फोड़ने आया हूं। मिट्टी की मटकी नहीं, अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है, ये तेरा है ये मेरा है, इससे बड़ी कोई अज्ञानता नहीं है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। जब तक ये भाव बना हुआ है तब तक अशांति है, और ये भाव दिल से निकल जाए तो सारी पृथ्वी आपको एक कुटुंब जैसी लगेगी। कैसी लगेगी? ये सत्संग वाले रिश्ते बड़े अनमोल होते, अनमोल होते। सारी पृथ्वी आपको एक कुटुंब जैसी लगेगी। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से उस गोपिका ने अपने घर में भगवान को बांध लिया। जब वो भगवान को बांध चुकी तो उसकी सहेली दरवाजे पे आ गई। अरे प्रभावती घर में है क्या? बोले हाँ हूं। क्या बात? बोले नहीं बस मैं तो थोड़ी सी छाछ लेने आई हूं। घरों में छाछ होती है ना, तो सारी थोड़ी अपने काम आएगी। क्या करते हैं है जी? बांट देते हैं ना, छाछ होती तो बन बांट देते हैं। तो वो छाछ लेने आई थी, तो छाछ ले और जा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। दो चार बातें भी होंगी, वो हो ही नहीं सकता। कोई पुरुष किसी पुरुष के पास किसी काम से जाए, भाई साहब इस काम से आया हूं ये पकड़, फालतू बात पुरुष नहीं करते। पर माताएं बहनें तो जब तक दो चार आज क्या बनाया क्या खाया, क्यों अम्मा है, तब तक संतोष नहीं हुए। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। तो वो क्या मांगने आई? छाछ बोलते हैं ना हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, उधर ब्रज में छाछ बोलते हैं, कहीं कहीं लस्सी बोलते हैं पंजाब में, हैं? हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, बोलो बोल तो, तुम्हारे यहाँ भी बोलते हैं? किस किस के यहाँ बोले? अच्छा बोलते हैं तुम्हारे यहाँ भी। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। तो क्या मांगने आई वो? नहीं नहीं जो अभी बोला, हाँ इसमें और मिठास बढ़ जाएगा आपके। अरे बहन घर में है क्या? बोले हाँ है, आ जा। क्या बात है? बोले मैं तो तेरे घर, देख लो अम्मा ये कितनी सारी आई तुम्हारे घर। अब इनसे कह दो सुख शांति नगर आना तो मट्ठा खूब मिलेगा। अब मैं आपको खुशखबरी देवे, खुशखबरी ये है कि भैया 5 तारीख तक यहां कथा होगी और वो पूर्ण हो जाएगी सवेरे, और 5 तारीख को ही दोपहर में 2 बजे से
सुख शांति नगर में पूज्य माता जी के मंदिर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, भागवत की कथा। तो ये कथा का फल है कि कथा कर और एक कथा पर कथा, फल पर फल लग गया। जैसे एक फल के साथ और फल लग जाता है ना, तो वही बात है। तो पूज्य माता जी का हम दर्शन भी कर रहे हैं और माता जी का अपार आशीर्वाद हमारे ऊपर है। माता जी सहारनपुर भी आते, दर्शन देते, आशीर्वाद हमें मिलता और बड़े हमारे मनोरथ और हमारे कार्य समर जाते हैं माता जी के आशीर्वाद से। तो मुझे माता जी के मंदिर में पहले भी सौभाग्य मिला, अब इस बार भी यहाँ आया कथा कहने। तो पहले से माता जी ने 3-4 महीने पहले मुझे कह दिया कि बेटा कथा मंदिर में तुम्हें करनी है। और बसंत पंचमी का यहाँ भी अचानक से, ये तो कार्यक्रम था ही नहीं, ये कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं था, ये तो बड़े असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलो ठाकुर जी ने कृपा कर दी तो ये भी रौनक लग गई। तो पूज्य अम्मा के सानिध्य में आशीर्वाद से ये कथा भी, मैं आशीर्वाद लेकर के आया कि माँ ये कथा भी हो जाए। तो माँ के आशीर्वाद से ये कथा भी आनंद से हो रही है। और 5 तारीख से पूज्य माता जी के कहाँ, वहाँ सुख भी मिलेगा, बोलो, शांति भी मिलेगी। और अम्मा कह रही हैं भर भर के तब तक तो ठंड ठीक हो जाएगी। हाँ, प्यार से कहो जय श्री कृष्ण, फिर 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 कहो जय श्री कृष्ण। तो ध्यान रखना कि कब से, दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो हम सब समय निकाल कर 2 बजे वहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे राधे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अम्मा जी के स्वागत में। तो अम्मा सब तैयारी करे बैठी है, अम्मा सब तैयारी करे बैठी है, तुम चिंता मत करो, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और कथा भी मिलेगी। कहने का तात्पर्य कथा भी मिलेगी, माखन मिश्री सब मिलेगा। प्यार से कहो राधे 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 राधे। तो हम आपको प्रसंग बता रहे थे, समय हो चला है। प्रभावती बोली, है क्या घर में? हाँ हूं, आ जा। क्यों आई? अरे बोले मैं तो तेरे घर, हाँ इसलिए आई। अच्छा, तो बिना बात किए तो हो ही नहीं सकती बात आगे। तो बोली चल ले जाना, छाछ ले जाना, लस्सी ले जाना, लेकिन जरा अंदर आ, देख मैंने क्या कर रखा है। क्या कर रखा था भीतर? अभी तो बताया ना, कान्हा को बांध रखा था। देख जिनके लिए सुरनर मुनि तरसते हैं मेरे घर में, वे भगवान मेरे घर में बंधे खड़े हैं और तू मट्ठा मांगने आई। मैं दे देती छाछ, बाहर की बाहर चली जाती, ये दर्शन तो ना होते? दर्शन हो। तो उस सखी ने जिस काम से आई थी वो काम तो बिसर गया, वो काम तो भूल गई। जर 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 आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहती पता क्या, बोले बहन कल तक तो तू मेरी सहेली थी, आज से तो तू मेरी गुरु हो गई, आज से तो तू मेरी गुरु हो गई। बोले क्या मतलब? बोले तूने मुझे गोविंद का दर्शन करा दिया, गोविंद का जो दर्शन करावे वो तो गुरु ही होता है, वो तो गुरु ही होता है, तूने मुझे गोविंद का दर्शन करा दिया। हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं ये छाछ मांगने कोई और नहीं आई। बोले फिर? बोले वो जिसे माया कहते हैं ना, माया, भगवान की माया से सब काम होते हैं। माया जल को थल कर दे, थल को जल कर दे, सांप की रस्सी बना दे, रस्सी का सांप बना दे, माया बड़ी विचित्र है। वो जिसे माया कहते हैं ना, हमारे महात्माओं ने कहा ये जो मट्ठा मांगने आई, छाछ मांगने आई, बोले होगी दुनिया की मायापति की माया, हमारे ब्रज में तो बिचारी माया भी मट्ठा मांगती घूम रही है, छाछ मांगती घूम रही है। ये ब्रज की महिमा है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं, ब्रज रज को शीश धरे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति भी जिस ब्रज में आकर मुक्त हो जाती है, माया भी जहां छाछ मांगती डोलती है, ऐसा ब्रज है। ऐसे ब्रज की महिमा वाणी से नहीं गाई जा सकती, अनंत असीम। वाणी के विधाता भी जहां पर आकर ब्रज भाषा में संवाद करते हैं, ऐसी ठाकुर जी की लीला। धीरे 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 धीरे
भगवान सबको अपने लीलाओं का सुख देते हैं। वो ग्वालिन भगवान को माँ के पास पकड़ के ले आई, खरी खोटी सुनाने लगी, तो मैया ने उसको तो विदा कर दी। बाद में लाला को समझाया, बेटा ऐसे मत किया करो, एक तो तुम्हारा रंग सांवला है, जल्दी से किसी अच्छे घर से रिश्ता नहीं आएगा, और अपना बालक सांवला भी हो तो माँ सोचती है बहू तो है, बहू तो गौरवर्णी ही आवे, तो माँ को ये चाव होता है। तो बोली, देख बेटा ऐसे मत कर, तेरा नाम निकल जाएगा तो शादी ब्याह करने में बड़ी कठिनाई होगी, तुम ऐसा किया करो, कुछ काम किया करो, और ऐसे घर घर मत डोला करो, कुछ काम किया करो। क्या करूं? बोले, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो, और रही माखन मिश्री की बात, मैं तुम्हें खूब माखन रोटी दूंगी, पर घर घर मत जाया करो, ठीक है। मैया ने ऐसे कन्हैया को समझाया, और ग्वाल बालों के संग जब भगवान गोचारण लीला में झूठा भोजन करने लगे ग्वाल बालों का, तो ब्रह्मा जी को संशय हो गया था, तो ब्रह्मा जी के संशय को भगवान ने दूर किया, और ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति करी, ब्रह्मा के मान का मर्दन किया, और भगवान ने जगत को बताया कि हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं वे गिरिराज जी हैं। इंद्र पूजा का जब आयोजन चल रहा था, भगवान ने गिरिराज जी की पूजा का उपक्रम चलाया, इंद्र को अच्छा नहीं लगा, 7 दिन मूसलाधार बरसी, कितने दिन? 7 दिन मूसलाधार बरसी। तब इंद्र के भी मान का भगवान ने मर्दन किया, और गिरिराज जी को श्री ठाकुर जी ने अपना रूप प्रदान किया, और गिरिराज जी में और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है। जो गिरिराज जी की पूजा दर्शन वंदन परिक्रमा करता है उसकी सब लौकिक पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होती हैं, सदा लक्ष्मी जी का वास उसके घर में बना रहता है। और जब ये इंद्र का कोप शांत हुआ तब भगवान को 56 भोग लगे, कितने? क्योंकि एक दिन में होती अष्टयाम सेवा 8 बार, 7 दिन नहीं हुई तो कितना हो गया पंडित जी, कितना हो गया? हाँ, प्यार से कहो राधे राधे, राधे राधे। अष्टयाम सेवा 7 दिन नहीं हुई तो 56 भोग भगवान को निवेदन किए गए, तुलसी पत्र अर्पण किया गया भगवान को, 56 भोग निवेदन किए गए, और इस प्रकार से गिरिराज जी की महिमा को भगवान ने सारे संसार में अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया। ऐसी गिरिराज जी की महिमा, बोलो गिरिराज धरण की जय हो, एक बार जोर से बोलो, बोलो गिरिराज धरण की जय हो। आइए मिल करके हम सब भी इन पंक्तियों को गुनगुनाएं, जिस दिल में माधव रहता है उस दिल में सदा दिवाली है। गिरिराज पूजा कब आती है? गोवर्धन पूजा, 5 दिनों के त्योहार आते ना, छोटी दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, समझ गए कि नहीं समझे? चलो यहीं से शुरू करें। जिस दिल में माधव रहता है उस दिल में सदा दिवाली है, जिस दिल में सब गाइए, जिस दिल में माधव रहता है उस दिल में सदा दिवाली है, जिस दिल में माधव रहता है उस दिल में सदा दिवाली है, जहाँ श्याम सुंदर की सेवा हो उस घर में सदा खुशहाली है, जहाँ श्याम सुंदर की सेवा हो उस घर में सदा खुशहाली है, नित गाय की रोटी निकाला करो, नित गाय की रोटी निकाला करो, तुलसी का दिया जलाया करो, तुलसी का दिया जलाया करो, कुछ समय निकाल के मंदिर में, कुछ समय निकाल के मंदिर में दर्शन करने भी जाया करो, दर्शन करने भी जाया करो, जल सूर्य देव
को देने से जल सूर्य देव को देने से धरती पे हुई हरियाली है जिस दिल में माधव रहता है उस दिल में सदा दिवाली है तुम दीन दुखी की मदद करो तुम दीन दुखी की मदद करो भगवान तुम्हारा भला करे भगवान तुम्हारा भला करे बिन मांगे ही सब खुशियों से बिन मांगे ही सब खुशियों से वो दाता सबकी झोली भरे वो दाता सबकी झोली भरे दीनानाथ ने अपने भक्तों की दीनानाथ ने अपने भक्तों की अरदास कभी ना टाली है जिस दिल में माधव रहता है उस दिल में सदा दिवाली है ये दिल है दाता का मंदिर ये दिल है दाता का मंदिर इस दिल में विकार न आने दो इस दिल में विकार न आने दो सत्संग सेवा सुमिरण से तुम सत्संग सेवा सुमिरण से तुम मन मंदिर को महकाने दो मन मंदिर को महकाने दो आश्चर्य भरी इस सृष्टि में आश्चर्य भरी इस सृष्टि में उसकी हर बात निराली है जिस दिल में माधव रहता है उस दिल में सदा दिवाली है हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा हरि बोल हरे रामा 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 हरे हरे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े दूध की धार राधे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज विराज रहो तेरे माथे मुकुट 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 दोनों हाथ ऊपर करके श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जय हो गिरिराज धरण की दोनों हाथ ऊपर करके तालियां जय हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम इतनी सेवा स्वीकार करें आज की कथा यहाँ विराम ले रही है मैं आदरणीय सोमनाथ छाबड़ा जी से निवेदन करूं वो आगामी मंच की रूपरेखा को संभालें तत्पश्चात आरती करेंगे और सूचना मैंने आपको दे ही दी है कल
कथा का छठा दिन है, छठे दिन की छठा निराली होती है। कल रुक्मणी मंगल की कथा होगी, भगवान की विभिन्न कथाओं के साथ रुक्मणी मंगल का महोत्सव मनाया जाएगा। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कल जब आप आएंगे तो अपने घर से कुछ ना कुछ कन्यादान रूपी राशि लेकर के आएंगे। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप सबका सहयोग इस कथा को सफलता की ओर लेकर के जाएगा। तो कल कन्यादान विशेष रूप से आप सब करेंगे। आदरणीय सोमनाथ, ब्याह होना सोने सोने कपड़े पाके भी होने। हाँ जी हाँ जी महाराज जी, सोने सोने कपड़े पाके थोड़ा सा जैसे ना हंसते हसा। हाँ मैं खड़ा हूँ तो रौनक ना तो बेकार है ना, जो रहता है शाम की मस्ती में। फिर कह दूं माता जी के सानिध्य में, बोलो सांचे दरबार की जय। ये भजन मैं अम्मा को समर्पित कर रहा हूँ, पूज्य माता जी को ये भजन मैं समर्पित कर रहा हूँ। दो तीन मिनट का भजन है, फिर आरती करेंगे। आइए मिल करके कहें, क्या कहना है। माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लकी है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लकी है। दोनों हाथ ऊपर करके हम सब महसूस करते हैं ये बात, और विशेष रूप से ये भजन पूज्य माता जी को समर्पित। माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लकी है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लकी है। और मैं चाहूंगा पूज्य माता जी मंच पर आ जाए मेरे पास, एक बार मेरी प्रार्थना है, तब इस भजन की शोभा और बढ़ जाएगी। जय हो अम्मा, अम्मा बटवा हमें पकड़ा दो, बस अब आ जाओ। ठीक है, जय हो। ऐसे माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है। ममता भरा प्रसाद बड़ा ही लक्की है, ममता भरा प्रसाद बड़ा ही लक्की है। माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है। पर्वत पर दरबार माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है। जिसने शीश झुकाया उसकी जीत हमेशा पक्की है, जिसने शीश झुकाया उसकी जीत हमेशा पक्की है। माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है। पर्वत पर दरबार सजाए बैठी मैया रानी, बोलो बोलो। पर्वत पर दरबार सजाए बैठी मैया रानी, जगमग जगमग ज्योत जले दर्शन है नूरानी, बोलो बोलो। जगमग जगमग ज्योत जले दर्शन है नूरानी, जिसने दर्शन पाए उसने पाई सदा तरक्की है, जिसने दर्शन पाए उसने पाई सदा तरक्की। दोनों हाथ ऊपर, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है। जय हो। सांचे दरबार की मिट्टी को माँ सोना कर दे और कंकर को मोती, बोलो बोलो। मिट्टी को माँ सोना कर दे और कंकर को मोती, किस्मत के ताले खुलते जब माँ की रहमत होती, किस्मत के ताले खुलते जब माँ की रहमत होती। माँ के जलवे देख देख कर, माँ के जलवे देख देख कर दुनिया हक्की बक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लक्की है। सच्चे मन से जय माता दी जो बोले एक बार, सच्चे मन से जय माता दी जो बोले एक बार। सच्चे दरबारों वाली माँ भर देती भंडार, सच्चे
दरबारों वाली माँ भर देती भंडार। जन्म जन्म के बंधन भक्तों, 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 माँ कर देती नक्की है माँ का आशीर्वाद बड़ा ही, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही नक्की है। दोनों हाथ ऊपर करके जरा संगीत के साथ तालियां, बोलो बोलो। कोई कहता अन्नपूर्णा, कोई वैष्णो माता, सब रूपों में जग जननी माँ सबकी भाग्य विधाता, सब रूपों में माँ जगनी माँ सबकी भाग्य विधाता, हो सब रूपों में जग जननी माँ सबकी भाग्य विधाता, सब रूपों में जग जननी माँ सबकी भाग्य विधाता। जगदम्बा के संकेतों से, जगदम्बा के संकेतों से चलती जग की चक्की है माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लगती है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लगती है, ममता भरा प्रसाद बड़ा ही लगती है, ममता भरा प्रसाद बड़ा ही लगती है, जिसने शीश झुकाया उसकी, जिसने शीश झुकाया उसकी जीत हमेशा, जिसने शीश झुकाया उसकी, जिसने शीश झुकाया उसकी जीत हमेशा पक्की है, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही, माँ का आशीर्वाद बड़ा ही लगती है। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे जय जगदम्बे। बोलिए सांचे दरबार की जय, जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही है। इससे आगे की कथा कल होगी, अभी आरती करते हैं और कल रुक्मणी मंगल का आइए इस गंगा में जरूर डुबकी लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु देवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, कराने वाला। ये
मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंत खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु राम यही घन श्याम यही, प्रभु राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, दुष्टों को भव सागर से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है मिनट के लिए सब हाथ ऊपर कर लो, सात बार परिक्रमा लेनी है और कहना है क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मैं तो तेरे संग नाचूं नंदलाला, मैं तो तेरे संग, मैं तो तेरे संग नाचूं नंदलाला, मैं तो तेरे संग, मैं तो झूम झूम नाचूं, मैं तो प्रेम भक्ति की मस्ती में जरा नाचते हुए, झूम नाचूं मैं तो प्रेम से नाचूं, मैं तो तेरे संग नाचूं नंदलाला, मैं तो तेरे संग, मैं तो तेरे संग नाचूं नंदलाला, मैं तो तेरे संग, देवरानी जाए जेठानी जाए मैं कैसे रह जाऊं, अरे देवरानी जाए जेठानी जाए मैं कैसे रह जाऊं, वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे गाऊं, वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे गाऊं, वृंदावन 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 चली जाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन चली जाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी, मैं कुटिया वहीं बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी, मैं कुटिया वहीं गाऊंगी, इन बच्चों की शादी हो जाए मैं छुटकारा पाऊं, इन बच्चों की शादी हो जाए मैं छुटकारा पाऊंगी, बहुरानी को सौंप के चाबी, बहुरानी को सौंप के चाबी कुटिया वहीं बनाऊं, बहुरानी को सौंप के चाबी कुटिया वहीं बनाऊं, वृंदावन 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 चली जाऊंगी मैं कुटिया वहीं बनाऊं, वृंदावन चली जाऊंगी मैं कुटिया वहीं बनाऊंगी, मैं राधे राधे गाऊंगी कुटिया वहीं बनाऊंगी, मैं राधे राधे गाऊंगी मैं कुटिया वहीं बनाऊंगी, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोलो सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, कल दोपहर 3 बजे हम सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए